बिहार में कोई ऐसा परीक्षा हो जो कि ईमानदारी से होता हो, और शायद ही ऐसा कोई परीक्षा हो जिसके पूर्ण होने के बाद हाईकोर्ट में केस नहीं होता हो। धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, आरोप लगते हैं, लेट लतीफी होता है। अब आप ही देख लीजिए, 8,415 सिपाही भर्ती का प्रक्रिया बिहार में एक डेढ़ सालों से लटका हुआ है। पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें ही अपारदर्शिता है, फिर से उसमें सीटें नहीं भर पाती हैं, उसको लेकर वेटिंग लिस्ट का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। मेडिकल व्यवस्था में देख लें तो लगभग जितने भी जिला अस्पताल हैं वहाँ पर 33% डॉक्टरों का सीट खाली है, अनुमंडलीय अस्पताल में 66% डॉक्टरों की सीट खाली है। 17 सालों का नेतृत्व करने के बाद नीतीश कुमार अभी भी बिहार में भर्ती प्रक्रिया को सुस्त और संदेहास्पद बनाए हुए हैं। ऐसे में छात्रों का यह भी प्रश्न है कि अगर आप 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी है बिहार के परीक्षाओं में पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाना। तो छात्रों का कहना है कि अगर सरकार नौकरी देने को लेकर जवाबदेह है, नौकरी देना चाहती है, तो जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में नए सरकार का गठन हो गया, महागठबंधन की सरकार आ गई है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार गठन के बाद एक सबसे ज्वलंत मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, और वो है रोजगार, सरकारी नौकरी। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में हर एक सभाओं में उनका पहला लाइन बिहार के युवाओं को यही रहता था कि हम आपको 10 लाख सरकारी नौकरी सीएम बनने के बाद देंगे। हालांकि जब सरकार में वो आए, उनसे प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने पर यह वादा किया था, लेकिन बावजूद इसके मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि युवाओं को नौकरी दिया जाए। आपको बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे ही, साथ साथ हम विचार कर रहे हैं कि रोजगार के और भी अवसर उत्पन्न किया जाए और इसका सीमा 20 लाख किया जाए। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद से राजद के और खासकर तेजस्वी यादव तो काफी गदगद हैं, बिहार के युवा भी काफी खुश हैं, नई आशा की किरण जागी है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़ा होते हैं। यही नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था तो कहते थे कि अरबों रुपया कहां से आएगा, यह संभव ही नहीं है, यह दिया ही नहीं जा सकता है इतना नौकरी। लेकिन अब बताएं आपको कि अब वो 10 नहीं 20 की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी प्रश्न उठा रहा है कि आखिर इतना नौकरी बिहार में ये देंगे कैसे। खैर, सरकार जो है इस पर अपने प्रयास कर रही है, और जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक इस साल यानी कि 2022 में 4 लाख नौकरियां देने की कोशिश सरकार कर रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिक्तियों पर विचार करने के लिए कह दिया गया है, जितने सीटें खाली हैं उन सबों को भर्ती करने के लिए कह दिया गया है, और प्रयास भी है सरकार का। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो दबे रूप से, अभी तो आउट नहीं किए हैं, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना चाहते हैं, और ऐसे में उन्हें बिहार से अपार समर्थन की जरूरत है। और युवा जो है बिहार में लगभग 60% हैं जिनकी उम्र जो है वो 25 साल के आसपास है, तो ऐसे में उन्हें रोजगार देकर ही अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में रोजगार जो है अगले 1-1.5 सालों में काफी ज्यादा मौका जो है युवाओं को मिलने वाला है, सरकारी नौकरी में मौका मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो कि बिहार से ही जुड़ा हुआ है, बिहार की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर। आपको बताएं कि शायद ही बिहार में कोई ऐसा परीक्षा हो जो कि ईमानदारी से होता, और शायद ही ऐसा कोई परीक्षा हो जिसके पूर्ण होने के बाद हाई कोर्ट में केस नहीं होता हो, ऐसा शायद ही कोई परीक्षा हो जिसके परीक्षा के दौरान या परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं चलता हो। कारण यह है कि यहां के हरेक परीक्षाओं में धांधली, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अगर हम देखें
सबसे पहले शिक्षकों की बात देखिए, शिक्षकों को ऐसे बना दिया गया है कि वो क्लासरूम से ज़्यादा आंदोलन पर ही उन्हें फोकस रहना पड़ता है। वेतनमान का मुद्दा है, उसके अलावा ST TET का विवाद का मुद्दा है, उनके भर्ती का मुद्दा है। शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी उलझाऊ और काफ़ी सुस्त प्रक्रिया है। लाखों कैंडिडेट इस प्रक्रिया के कारण जो हैं वो जूझ रहे हैं, उनकी वो आर्थिक क्षति हो रही है, समय की क्षति हो रही है, परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तो वही बात करें हम पुलिस की भर्तियों में, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, आरोप लगते हैं, लेट लतीफी होता है। अब आप ही देख लीजिए 8415 सिपाही भर्ती का प्रक्रिया बिहार में एक डेढ़ सालों से लटका हुआ है। 4-4.5 महीने हो गए, लेकिन फिजिकल खत्म होने के बाद इनका फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। और छात्र ही आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी गड़बड़ी की जा रही है, इसके भी प्रश्न पत्र वायरल हुए थे। दरोगा परीक्षा की बात करें हम, भर्ती तो हुई लगभग 2-3 सालों में 5000 के आसपास दरोगा की, लेकिन पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया गया। ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए जिनसे यह पता ही नहीं चलता था कि आखिर छात्रों को किन कारणों से उनका चयन नहीं हो पाया। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, एंसर शीट नहीं जारी किया जाता है, कट ऑफ नहीं बताया जाता है, मार्क्स नहीं बताया जाता है, RTI का जवाब नहीं दिया जाता है, BPSC का क्वेश्चन लीक कर जाता है, BPSC के पहले के एग्जामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिससे छात्र ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी है। इसके अलावा हम बात करें, बहुत सारे ऐसे दर्जनों परीक्षाएं हैं जो कि वर्षों से लंबे लटके पड़े हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है, फिर से BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का बात कर ले। 8 साल परीक्षा चला, 13120 सीट था, लेकिन अंततः 8 सालों में पूरे सीट पर बहाली नहीं हो पाया, 2000 के आसपास सीट खाली रह गया। बैकलॉग का प्रॉब्लम है, फिर से आपको बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर बातें होती हैं। कहने का मतलब है कि जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें ही अपारदर्शिता है, फिर से उसमें सीटें नहीं भर पाती हैं, उसको लेकर वेटिंग लिस्ट का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। मेडिकल व्यवस्था में देख लें तो लगभग जितने भी जिला अस्पताल हैं वहाँ पर 33% डॉक्टरों का सीट खाली है, अनुमंडलीय अस्पताल में 66% डॉक्टरों की सीट खाली है। 17 सालों का नेतृत्व करने के बाद नीतीश कुमार अभी भी बिहार में भर्ती प्रक्रिया को सुस्त और संदेहास्पद बनाए हुए हैं। ऐसे में छात्रों का यह भी प्रश्न है कि अगर आप 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी है बिहार के परीक्षाओं में पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाना, ताकि योग्य, मेधावी, मेहनत करने वाले छात्रों का चयन हो सके, न कि पैसे देकर जाने वाले छात्रों का चयन हो सके। बिहार में एक स्कॉलर गैंग भी है, बिहार में एक क्वेश्चन जो है वो लीक कराने वालों का भी गैंग है, और ये गैंग इतना मजबूत है कि देश में कहीं भी परीक्षा होता है और उसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसका लिंक बिहार से जुड़ता है। तो ये सारे चैलेंज हैं, और छात्रों का ये कहना है कि ठीक है, आप 10 लाख नहीं, आप 2 लाख ही नौकरी दें, समय से दें, ईमानदारी से दें, गरीब से गरीब बच्चों का भी सिलेक्शन हो उसमें। ऐसे प्रक्रिया को आप बनाएं, ऐसे पारदर्शी तरीकों को अपनाएं। अब देख लिया BSSC का हम मुद्दा उठा रहे हैं, BSSC प्रथम इंटर स्तरीय 8 सालों से चला, 13120 पदों पर बहाली निकली थी, और आपको बताएं कि 1780 के आसपास पद खाली रह गए। उसके छात्र हर एक जगह पर घूम रहे हैं कि हमने इस आयोग के भरोसे 8 साल अपने जीवन का लगा दिया और सीटें भी खाली रह गई, हम बेरोजगार भी रह गए। इसके अलावा उसमें भी बैकलॉग का समस्या आने वाला है, ले देकर 4-5 हज़ार सीटें उसमें खाली रहने वाली हैं। तो छात्रों का कहना है कि अगर सरकार नौकरी देने को लेकर जवाबदेह है, नौकरी देना चाहती है, तो जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा करे, और नई भर्ती प्रक्रिया है तो उसमें समय सीमा निश्चित किया जाए, ईमानदारी से उसमें बहाली हो, ये ना कि गड़बड़ी हो और उसका भी क्वेश्चन लीक हो जाए और उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। तो ले देकर ये स्थिति है कि अभी का जो समय है बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी स्वर्णिम होने वाला है, क्योंकि सरकार नौकरी को लेकर काफ़ी फोकस है और रोजगार को लेकर ही प्रश्न किया जा रहा है।
और बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिर कैसे ये रोजगार देंगे। तो ले देकर है कि राज्य सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है और वो अपने किए गए वादे को पूरा करना जरूर चाहेगी, क्योंकि कारण है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और तेजस्वी यादव को बिहार में लंबी राजनीति करनी है, और ये वही युवा पीढ़ी है जो इनको लंबे समय तक साथ देंगे अगर ये अपने किए गए वादे को पूरा करेंगे। तो नहीं कर पाए तो ये इनसे नाखुश भी होंगे और हो सकता है कि आगे इनको मौका भी ना दें। तो चुनौती है बिहार सरकार के सामने, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ छात्रों का ये भी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया समय से हो, एक नियत समय के बीच में हो, कैलेंडर जारी किया जाए और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाई जाए। अगर अपारदर्शी तरीके को अपनाया जाता है, जैसा व्यवस्था चल रहा है वैसा अपनाया जाता है, तो बहुत सारे छात्र वैसे चले जाएंगे जो कि पढ़ाई करते भी नहीं है और पैसे के दम पर सेटिंग करा के वो नौकरी पा लेंगे, और जो योग्य हैं, मेधावी हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, गरीब हैं, पिछड़े क्षेत्र से हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो हम आशा करेंगे कि बिहार में एक और माहौल बना है रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर, और ये हम जानते थे कि ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, और यही कारण है कि हम अपनी पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा ध्यान रोजगार को ही रखते हैं, क्योंकि पता है कि बिहार युवाओं का देश है और युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता अपने भविष्य को लेकर है, रोजगार को लेकर है, नौकरी को लेकर है, सरकारी नौकरी को लेकर है, और यही कारण है कि हम हमेशा इनके मुद्दों को उठाते हैं और साथ साथ पारदर्शिता की भी मांग करते हैं ताकि बिहार के युवाओं के साथ न्याय हो सके। तेजस्वी यादव ने एक युवाओं को आशा की किरण 2020 के चुनाव में दी थी, हालांकि वो असफल रह गए सरकार बनाने में, लेकिन फिर से उनको मौका मिला है। तो हम आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री ने भी हामी भरी है और ये भी युवा है, साथ मिलकर काम करें, पारदर्शी तरीकों से बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी रोजगार देने का प्रयास करें। 10 लाख सीमा और 20 लाख सीमा तो ये कहने वाली बात है, प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नौकरी का सृजन किया जा सके, योग्य लोग को लाया जाए, योग्य लोग आएंगे तो ही योग्य बिहार बनेगा, क्योंकि अपनी योग्यता के दम पर वो बिहार को आगे ले चलेंगे। तो आशा करते हैं कि सरकार इसको लेकर बहुत जल्द पहल करेगी, कल कैबिनेट का भी गठन हो गया, आज से सरकार काम करना भी शुरू कर दिया, और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द भर्तियों को लेकर कोई ना कोई सुखद खबर जो है वो आएगी, नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे विभिन्न आयोगों और विभागों के द्वारा, और छात्रों का कल्याण होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।